नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। 2021 में सभी 28 राज्य, जितने भी हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सभी के राज्यपाल लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपडेट हो जाइए कि 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल कौन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कमेंट बॉक्स में हर राज्य के राज्यपाल का नाम भी लिखे और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का नाम भी लिखे, जिससे कि उसे अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। ये पूरी तरह से अपडेटेड वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है। बताएंगे दोस्तों वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो नोट कीजिएगा पी ए श्रीधरन पिल्लई, जो कि वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा आप वीडियो पॉज करके ये पी ए श्रीधरन पिल्लई लिख दे, जिससे आपको याद रहे कि मिजोरम के राज्यपाल वर्तमान में यह 2021 का अपडेटेड डेटा है पूरा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखना स्क्रीन पर, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन बने हैं। देखिए अभी 2019 में ही इनकी नियुक्ति हुई है, आचार्य देवव्रत। कौन है वर्तमान में राज्यपाल गुजरात के? आचार्य देवव्रत है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं। देखिए इनकी भी नियुक्ति अभी 2019 में ही हुई है। किनकी है? तमिल साई सुंदर राजन। इनकी नियुक्ति हुई है अभी 2019 में ही हुई है, ये वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, तमिल साई सुंदर राजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ओडिशा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है आपको बताना है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये है आपके गणेशी लाल, जो कि वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल है। इनकी नियुक्ति हुई थी 2018 से हैं ये, ठीक है ना। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 29 मई 2018 से ये वहां के राज्यपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फागू चौहान है, ठीक है ना। ये भी 2019 से ही है, जुलाई 2019 से वहां के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो ये हैं आपके आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। इनको अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है और ये कब से हैं? 1 जुलाई 2020 से ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जितने भी होते हैं वहां पर उपराज्यपाल होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो नोट करना दोस्तों, ये हैं आपके अनिल बैजल, जो कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल है। इनकी नियुक्ति कब से है? तो 2016 से वहां के उपराज्यपाल के पद पर आसीन है, 31 दिसंबर 2016 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो ये हैं आपके कलराज मिश्र, ठीक है ना। कलराज मिश्र जिनकी नियुक्ति की गई थी 9 सितंबर 2019 से वहां के ये राज्यपाल के पद पर आसीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो देखिए हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है आपके सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, जिनकी नियुक्ति 25 अगस्त 2018 को की गई थी। मतलब ये 2018 से वहां के राज्यपाल हैं हरियाणा के। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन है। देखिए नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। कौन है? रविंद्र नारायण रवि, जो कब से हैं वहां पर नागालैंड के राज्यपाल। तो ये हैं 1 अगस्त 2019 से वहां पर राज्यपाल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रविंद्र नारायण रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, बताएंगे वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, भगत सिंह कोश्यारी। कब से है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल? तो ये दोस्तों 5 सितंबर 2019 से, ठीक है ना। मैक्सिमम जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति 2019-18 में ही की गई है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है। तो ये है आपकी नजमा हेपतुल्ला, मणिपुर की राज्यपाल है। इनकी नियुक्ति की गई थी 2016 में, ठीक है ना, ये पुरानी है। 21 अगस्त 2016 को इनकी नियुक्ति की गई थी मणिपुर के राज्यपाल के तौर पर, नजमा हेपतुल्ला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वर्तमान में पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है। देखिए उपराज्यपाल पूछा गया है क्योंकि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां की जो उपराज्यपाल है वो है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। इनकी नियुक्ति भी 2016 में ही की गई थी, 29 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी की उपराज्यपाल है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल है आपके तथागत रॉय हैं। कौन है? तथागत रॉय, जिनकी नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में 27 जनवरी 2020 को ही की गई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तथागत रॉय, जो कि मेघालय के
राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? देखिए तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं आपके बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य, जिनकी नियुक्ति कब की गई है? सन 2018 में की गई थी और ये अभी तक वहां के राज्यपाल के पद पर आसीन है उत्तराखंड के, बेबी रानी मौर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उत्तराखंड के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आपके जगदीप धनखड़ हो जाएंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जो कि 30 जुलाई सन 2019 से वहां पर हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, बताएंगे वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये मनोज सिन्हा को बनाया गया है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, जो कि 7 अगस्त 2020 से वहां पर उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। पहले के राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहां पर उपराज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल है वर्तमान में आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को, ठीक है ना, 2017 से ये अभी तक वहां के तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? देखिए पंजाब के राज्यपाल है वर्तमान में विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, जो कि 22 अगस्त सन 2016 से पंजाब के राज्यपाल के पद पर आसीन है, ठीक है, नोट करना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जो कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, पंजाब वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल हैं आपके सत्यपाल मलिक हैं गोवा के राज्यपाल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कब से हैं ये? तो 3 नवंबर सन 2019 से ये गोवा के राज्यपाल के पद पर नियुक्त है। कौन? सत्यपाल मलिक, गोवा के वर्तमान राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? देखिए बात हो रही है झारखंड की, तो यहां के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू। इनकी नियुक्ति की गई थी 18 मई सन 2015 को इनकी नियुक्ति की गई थी, तब से अभी तक ये वहां के झारखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं आपके देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? तो 8 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर सन 2017 से ये उपराज्यपाल के पद पर आसीन है अंडमान एवं निकोबार के। कौन? देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है ना। बंडारू दत्तात्रेय कब से हैं ये? तो नोट करना दोस्तों, 11 सितंबर सन 2019 से ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो नोट करना दोस्तों, वर्तमान में जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो हैं बज्जू भाई वाला। कौन है? बज्जू भाई वाला, जो कि कब से हैं? तो ये 1 सितंबर 2014 से कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर आसीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बज्जू भाई वाला। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। और इनके पास अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी दे रखा है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ी देर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। इनको ये पद दिया था 29 जुलाई सन 2019 से ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? थे कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल है आपके आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो कब से हैं ये? तो नोट करना दोस्तों, 6 सितंबर सन 2019 से ये केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन है। तो ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? देखिए त्रिपुरा के राज्यपाल है आपके रमेश बैस है, रमेश बैस। कब से कब नियुक्त किया गया था इनको? तो नोट करना, 29 जुलाई सन 2019 से ये त्रिपुरा के राज्यपाल के पद पर नियुक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रमेश बैस, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं आपके बीडी मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीडी मिश्रा है। और ये कब से आसीन है इस पद पर? तो नोट करना, 3 अक्टूबर सन 2017 से ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बीडी मिश्रा, जो कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अगला प्रश्न की, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? देखिए सिक्किम के राज्यपाल हैं आपके गंगा प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गंगा प्रसाद, जो कि कब से हैं? तो नोट कीजिएगा, 26 अगस्त सन 2018 से ये सिक्किम के राज्यपाल के पद पर आसीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गंगा प्रसाद, सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल। बताएंगे वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है आपके अनुसुईया उइके है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। इनको नियुक्त किया गया था 29 जुलाई सन 2019 को नियुक्त किया गया था, तब से अब तक ये वहां की राज्यपाल के पद पर आसीन है अनुसुईया उइके, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है आपके विश्वभूषण हरिश्चंदन है। कौन है?
विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, इनको नियुक्त किया गया था 24 जुलाई सन 2019 को। तब से अब तक ये वहां पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, असम के राज्यपाल, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आपके जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी, जिनको नियुक्त किया गया था दोस्तों 10 अक्टूबर सन 2017 को इनको नियुक्त किया गया था। तब से अब तक ये वहां के असम के राज्यपाल के पद पर आसीन है, जगदीश मुखी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए लद्दाख है तो जो केंद्र शासित प्रदेश वहां के उपराज्यपाल हैं आपके राधाकृष्णन माथुर, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया था 31 अक्टूबर सन 2019 को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको सभी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 2021 के अनुसार आपको गवर्नर्स राज्यपाल बता दिए, राज्यपाल उपराज्यपाल। मैं इसके अतिरिक्त अब मुख्यमंत्री का भी एक वीडियो लाने वाला हूं, मुख्यमंत्री साथ साथ उसमें मैं आपको राजधानी भी बताऊंगा और राज्यों की स्थापना कब हुई वो भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लाइक का टारगेट हमारा 10,000 और शेयर का टारगेट हमारा 5,000, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए, जिस तरह जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होंगे लेटेस्ट नॉलेज के साथ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।